गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल सेवन क्लास। आज आपका सब्जेक्ट है बच्चों संस्कृत और आपकी बुक का नाम है संस्कृत सोपान। तो आइए अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 12 ओपन करेंगे बच्चों। चतुर्थ पाठ है यानी पाठ चार, पाठ का नाम है आपके नीति श्लोक कहा, यानी जो हमारे शास्त्रों में हमारी बड़ी बड़ी पुस्तकों में श्लोक कहे गए हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, वो ये श्लोक सारे दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 1 है हमारा, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम, यानी हातस्य मीन्स हाथों का, भूषणम आभूषण, दानम दान हाथों का आभूषण दान है, कंठ यानी गले का, कंठस्य गले का आभूषण, भूषणम मीन्स आभूषण, सत्यम मीन्स सत्य, हाथों का आभूषण दान है और गले का आभूषण सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोतस्य मीन्स कानों का, भूषणम मीन्स आभूषण, शास्त्रम मीन्स शास्त्र है, जो कानों का आभूषण है वो शास्त्र है, यानी जो हम कानों से अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है वो हमारे कानों का आभूषण है। भूषणे किम प्रयोजनम, फिर आभूषणों की क्या जरूरत है। विद्या रूपम कुरूपणाम, विद्या कुरूपों का रूप होता है, निर्बलाम बलम तथा, और निर्बलों का बल होता है, निर्धनाम बलम विद्या, जो हमारे गरीब लोग होते हैं उनका बल विद्या होती है। साध्य तया प्रयत्न, फिर हमें प्रयत्न पूर्वक विद्या को प्राप्त करना चाहिए। सदा करोति विद्यार्थी सहनम सुखम दुखियो हो, यानी जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वे सदा सुख और दुख सहन करते हैं। सुखम भवतु वा दुखम विद्याभ्यासम करोति च, विद्या प्राप्त करने में सुख और दुख दोनों ही सहन करने पड़ते हैं। सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम, यानी सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग करना चाहिए, और विद्यार्थी कुतो सुखम, और जो विद्यार्थी हैं विद्या चाहते हैं उन्हें सुख का त्याग करना चाहिए। सुखार्थी वा तज्जेत विद्या, यानी जो सुख चाहते हैं उन्हें सुख विद्या का त्याग करना चाहिए। विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए। अर्थात इसका मतलब है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, और जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या का त्याग करना चाहिए, और विद्यार्थी जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख का त्याग कर देना चाहिए। विद्या मित्रम प्रवासेसु, प्रवासेसु कहते हैं बच्चों विदेश में, कहीं जब बाहर होते हैं वहाँ हमारी मित्रम मित्र होती है कौन, विद्या। माता मित्रम गृहेषु च, और गृहेषु घर पर, मित्रम मित्र होती है, दोस्त होती है कौन, माता, यानी हमारी विदेशों में हमारी मित्र विद्या होती है और घर पर हमारी मित्र माता होती है। व्याधितस्य औषधम मित्रम, व्याधितस्य मीन्स बीमारियों में, औषधम दवाई, मित्रम मित्र होती है और बीमारियों की दोस्त दवाई होती है। धर्म है मित्र मृतस्य च, और मृतस्य यानी मरने के बाद, मित्रम मित्र होता है, धर्म है धर्म, और मरने के बाद मित्र धर्म होता है, यानी जो हमने धर्म कराया है अच्छे काम करे हैं वही हमारे मरने के बाद काम आते हैं। वर मे को गुणी पुत्र है न च मूर्खा सत्यान अपि, यानी सत्यान अपि में सो मूर्खा मूर्खों से, वर मे को एक गुणी गुणवान पुत्र है पुत्र, यानी सो मूर्खों से एक गुणवान पुत्र अच्छा होता है। एकाश चंद्रो तमो हंती, जिस प्रकार एकाश चंद्रो में अकेला चंद्रमा तमो अंधेरे को हंती हरता है। न च न की तारण अपि च, कि तारण अपि में तारों का समूह, यानी अकेला जो चंद्रमा है वही जो अंधेरा है उसे दूर करता है, ना कि तारों का समूह, तारे चाहे कितने भी निकल जाएं उनसे हमारा अंधकार दूर नहीं होता है जब तक कि चंद्रमा ना निकले। नमंती फलनो वृक्षः, जो फल वाले वृक्ष होते हैं नमंती झुक जाते हैं। नमंती गुणिनो जनाः, गुणिनो मीन्स गुणवान, जनाः लोग, इसी प्रकार जो गुणी लोग होते हैं वो भी झुक जाते हैं।
शुष्क वृक्षास्त मूर्खास्त न नमंती कदाचन। सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति न नमंती कदाचन, कभी भी नहीं झुकते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको श्लोक पढ़ाए हैं, इनके अर्थ बताए हैं। इन सब श्लोकों को आप याद करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे। बच्चों, वीडियो देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। और ये श्लोक आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, कोई भी श्लोक दिया जाता है आपको, उसको हिंदी अनुवाद करना होता है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना बार बार, आपको समझ नहीं आएगा। बच्चों, आपको एक्सरसाइज वर्क बुक में फिल करना है और कॉपी में आपको अपने शब्द अर्थ और ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। बाकी सारा काम आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।